ਦਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਬਣਾਣਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਉੱਪਰ कौन सा क्या बोलते हैं इसको? ये रास्ते में हम रुके हैं हलवा पराठा के लिए। हलवा पराठा? ये हलवा है वो पराठा है। पराठा भी साथ में दोगे? हाँ, ये मीठा होता है, ये लंबा होता है। लो जी लो, फेमस है ये। लाओ जी खिलाओ फिर हलवा पराठा, मुरादाबाद का स्पेशल। पैक करना, प्लेट दे देना। मुरादाबाद? मुरादाबाद ने लिखी है। मुरादाबाद है यो पाक बड़ा, 30 किलोमीटर लंबा जाम। तो वही बड़ा ही बेकार एक्सपीरियंस रहा, फुल ऑफ रिफाइंड फॉर्चून, मतलब अखबार के नीचे से तेल टपक रहा था। आधा किलो फॉर्चून पिया दिया, थोड़ा शीशा नीचे गिरा। पराठे में से और हलवे में से तो हमने एक बाइट लिया और इसको कर दिया पैक, रास्ते में डाल देंगे या किसी कुत्ते को या किसी और मतलब जानवर को, नहीं खा सकते भाई। इंसान को देंगे तो वो भी बीमार हो जाएगा, नॉट रिकमेंडेड। मुंडी खुना हुआ इंसान भी, बस गलती से ले लिया तो ले लिया, चलो कोई नहीं। बंद भी हो गए फिर मोगा पे खाओगे भी लगा लेता ना खिलाओगे ले आपको मोगा भी खिलाते आज जबरदस्त बारिश के साथ दिल्ली में स्वागत। मलिक साहब क्या कहना चाहते हो? टूर का समापन हो चुका है, दिल्ली पहुंच चुके हैं। बारिश कितनी जबरदस्त है, नैनीताल से लगातार बारिश हो रही है, मुरादाबाद भी जाम मिला, बीच में आपूर्ति से पहले भी जाम था। कैसे चले थे अपन पंगोट से? 9 बजे पंगोट से सुबह 9 बजे निकले थे कोकून रिजोर्ट से। अरे कितने हो गया, 12 बज गए हैं रात के, सवा नौ पूरे 12 घंटे हो चुके हैं चलते हुए।
जलमगन जलमगन दिल्ली जलमगन। जीरो विजिबिलिटी जीरो, बहुत तेज बारिश हो रही है। 10 किलोमीटर टू रोहतक। तो जी 15 घंटे और 18 मिनट की लॉन्ग जर्नी के बाद पहुंच गए हैं वापस घर रोहतक। कंपेनियंस को दिल्ली ड्रॉप कर दिया था मैंने, और 15 घंटे इसलिए क्योंकि वैसे तो रास्ता 7-8 घंटे का ही है, लेकिन आज 12 बजे से बारिश हो रही है तो रास्ते में बहुत जगह ट्रैफिक जाम भी था। रास्ते में 1 घंटा रुके थे खाना खाने के लिए मोगा ढाबे पे, और अभी पहुंच गए हैं रोहतक। काफ़ी लॉन्ग जर्नी थी, लगभग 15.5 घंटे, और ये हमारा घर।